दोस्तों Redmi लॉन्च करने वाला है Redmi Note 11 Pro सीरीज फोन को इंडिया में 5G के साथ 9 मार्च को। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 11 Pro Max और Vivo V23e 5G फोन के बारे में। ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है और क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में, और इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना सही रहेगा, क्या आपको Vivo V23 फोन परचेस कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए Redmi Note 11 Pro Max फोन के लिए। अगर आप जानना चाहते तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। Vivo 23e फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें एक छोटा सा नॉच देखने को मिल जाता है, वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 91% तक स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 11 Pro Max फोन, इसमें डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। इसमें नॉच देखने को नहीं मिलेगा, छोटा सा 5 देखने को मिल जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 91% तक स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा और HDR 10 प्लस भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिस्प्ले में बाजी मार लेता है Redmi Note 11 Pro Max फोन। इसमें आपको डिस्प्ले साइज बड़ा देखने को मिल जाएगा, इसमें हायर रिफ्रेश रेट दिया जाएगा, इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो ये दोनों फोन का कैमरा का बारे में, दोनों फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। Vivo V23e फोन में जो प्राइमरी सेंसर दिया गया है 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया है, जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, जो टाट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाता है, LED फ्लैश दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 11 Pro Max फोन, इसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जो प्राइमरी सेंसर है 108 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर के साथ में देखने को मिल जाएगा। इसमें जो सेकेंडरी कैमरा दिया जाएगा 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा, जो टाट कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ में मैक्रो लेंस दिया जाएगा। इसमें भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और LED फ्लैश भी दिया गया है। दोनों फोन में डुअल LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो Vivo V23e फोन में, इसमें सेल्फी कैमरा काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। 44 मेगापिक्सल का f1.2 अपर्चर का, सॉरी दोस्तों f2.0 अपर्चर का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया है वाटर ड्रॉप नॉच में। तो सेल्फी कैमरा में हमें यहाँ पे काफी बढ़िया है Vivo V23e फोन में। और यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 11 Pro Max फोन, इसमें 16 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर का साथ में 5 सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो सेल्फी कैमरा में यहाँ पे बाजी मार लेता है Vivo V23e फोन और रियर कैमरा में बाजी मार लेता है Redmi Note 11 Pro Max फोन। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो Vivo 23e फोन में MediaTek का प्रोसेसर दिया गया, MediaTek Dimensity 810 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz क्लॉक स्पीड में चलता है। GPU का बात करें तो मान लीजिए 57 MC4 GPU MC2 GPU देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 11 Pro Max फोन, इसमें भी MediaTek का प्रोसेसर दिया जाएगा, इसे लीक्स के थ्रू पता चल रहा है। इसमें जो प्रोसेसर होने वाला है MediaTek Dimensity 920 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। इसका क्लॉक स्पीड होने वाला है 2.5 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। और इसका जो GPU होगा माली G68 MC4 GPU देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे विनर बन जाता है Redmi Note 11 Pro Max फोन। दोनों प्रोसेसर का प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का बात करें तो दोनों प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर आधारित है, 6 नैनोमीटर पर चलता है। दोनों फोन का वॉइस यूजर इंटरफेस का बात करें तो Vivo V23e फोन में, इसमें एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और साथ में फोन टच 12 दिया गया। यहाँ पे बात करें तो नोट 11 प्रो मैक्स फोन, इसमें भी एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और साथ में MIUI 13 देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो Vivo 23e फोन, ये फोन एक ही वारंट पे आता है 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 11 Pro Max फोन, ये फोन 2 वारंट पे आएगा या फिर हो सकता है 3 वारंट पे आ जाए। जो बेस्ट वारंट होगा 6GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, और जो मिड वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा, जो हायर वारंट होगा
8 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। मेमोरी कार्ड यहाँ पे एक्सपेंडेबल कर सकते हैं वीवो V23e फोन में और माइक्रो रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स फोन में इसमें मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसमें अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। और ये दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो वीवो V23e फोन में इसमें 4050 mAh का बैटरी दिया गया। और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 44 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स फोन इसमें 5160 mAh का बैटरी दिया जाएगा। और फास्ट चार्जर का बात करें तो इसमें 67 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग का और बैटरी पर यहाँ पे बाजी मान लेता है रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स फोन। दोनों फोन का यूएसबी कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में यूएसबी टाइप सी 2.0 देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाता है। सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 5G सिम वोल्टेज देखने को मिल जाता है। दो 5G सिम एक ही साथ में दोनों फोन में यूज कर सकते हैं। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दो 5G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं दोनों फोन में। दोनों फोन का 3.5 mm ऑडियो जैक का बात करें तो दोनों फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ईयरफोन लगा सकते हैं दोनों फोन में। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो वीवो V23e फोन में इसमें फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है और साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 11 Pro Max फोन इसमें भी फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा और साथ में इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। साइड में जो पावर बटन है पावर बटन का ही पास फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। दोनों फोन का बिल्कुल डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन में ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन देखने को मिल जाएगा। Redmi Note 11 Pro Max में इसमें ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा और साथ में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। बैक में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, फ्रंट साइड में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो Vivo V23e फोन इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन दिया गया है। दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो Vivo V23e फोन का जो प्राइस है एक ही वारंट पे ये फोन आता है 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। इसका प्राइस है 25,990 rupees पर अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर, ये फोन अभी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 11 Pro Max फोन दोस्तों ये फोन इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और ये फोन लॉन्च होने वाला है 9 मार्च को इंडिया में। तो लॉन्च होने का बाद ही इसका कंफर्म प्राइस पता चलेगा। तो मैं अभी एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, इससे कम प्राइस में भी आ सकता है और इससे ज्यादा प्राइस भी हो सकता है। ये मैं जो प्राइस बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। इसका जो बेस्ट वेरिएंट होगा 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसका प्राइस होने वाला है 21,999 rupees पर आएगा। और जो मिड वेरिएंट होगा 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसका प्राइस होगा 23,999 rupees पर आएगा। और जो इसका हायर वेरिएंट होगा 8 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसका प्राइस होने वाला है 25,999 rupees पर आएगा। ये जो प्राइस बताया कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म प्राइस पता चलेगा 9 मार्च को जब ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है इसी प्राइस पर यह फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अगर यही सेम प्राइस पर लॉन्च किया जाता है तो यहाँ पे वीवो का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, 2,000 rupees ज्यादा प्राइस है यहाँ पे वीवो V23e फोन का। तो बस तो यह था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स Redmi Note 11 Pro Max 5G और Vivo V23e 5G फोन का। आपको दोस्तों इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन आप परचेस करना चाहोगे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों फोन का कन्फ्यूज का बात करें तो इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, तो मुझे जहाँ तक यहाँ पे लगता है क्लियरली विनर बन जाता है Redmi Note 11 Pro Max फोन। इसमें आपको काफी कुछ बढ़िया देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें डिस्प्ले साइज बढ़ा दिया गया है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, इसमें रियर कैमरा बढ़िया देखने को मिल जाता है, इसमें परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिल जाता है, इसमें आपको बैटरी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, इसमें फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, 67 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें एक दो चीज का कमी भी है, जैसे कि इसमें सेल्फी कैमरा इतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता है और इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। ये दो चीज का कमी देखने को मिलेगा, यही दो चीज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे वीवो V23e फोन में। अगर आपको सेल्फी कैमरा बढ़िया चाहिए, सेल्फी कैमरा काफी अच्छा बढ़िया चाहिए, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं Vivo 23e फोन के तरफ, इसमें आपको सेल्फी कैमरा बढ़िया देखने को मिल जाता है,
काफी अच्छा बढ़िया सेल्फी कैमरा दिया गया और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होगा, मेरे को ज्यादा तक लगता है यहाँ पे कम प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा Redmi Note 11 Pro Max फोन। इसमें परफॉर्मेंस भी काफी बेटर देखने को मिल जाता है। तो बस दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपडेट डालूंगा आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बस दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।